गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आई, जो कि नीट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। कभी कभी नीट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आ जाता है इस टॉपिक के ऊपर। सो हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम आज इसको समझेंगे, और बोर्ड में भी इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर पूरा आई डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आई वो सेंसरी ऑर्गन है जिसके ऊपर लाइट पड़ने से वो उस लाइट को सिग्नल में चेंज करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उस सिग्नल को एनालिसिस करता है कि और ब्रेन उस सिग्नल को एनालिसिस करता है कि वो चीज़ क्या है, चाहे वो कोई पेड़ हो या फिर टाइगर हो, टाइगर तो डेफिनेटली नहीं होगा, या फिर कोई कुत्ता हो, घर हो, इंसान हो। इस तरह से ब्रेन और आई वर्क करते हैं। सो आई बॉडी में कहाँ पर फिट होती है? आई ऑर्बिट्स में फिट होती है। स्कल में जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। दो बड़े बड़े गड्ढों को, स्कल्स में जो बड़े बड़े दो गड्ढे होते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, और उस ऑर्बिट में हमारी आई बॉल फिट होती है। तो ये है आई बॉल की इमेज। ये आई बॉल है, मैंने इसका स्केच बनाया है आपके लिए कि आप अच्छी तरह से समझ ले कि आई बॉल कैसे होती है। देखो, आई बॉल पूरी राउंड होती है, जैसे हमारी आई दिखती है बोर्ड शेप, वैसी नहीं होती है आई बॉल, वो पूरी राउंड होती है, इसलिए तो उसको आई बॉल कहते हैं। इस तरह से ये पूरी राउंड है। तो ये आई बॉल हमारे ऑर्बिट्स में फिट होती है। सो इस आई बॉल के तीन पार्ट्स गिरते हैं। सो ये जो पूरी आई बॉल है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज़ फाइब्रस कोट, सेकेंड पार्ट इज़ वैस्कुलर कोट, थर्ड पार्ट इज़ रेटिना। सो फर्स्ट पार्ट इज अ फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट में क्या क्या होता है हम देखेंगे। सो फाइब्रस कोट में आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो ये वाइटिश पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो राउंड में जो वाइटिश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा वाइटिश पार्ट स्क्लेरा होता है। इसको स्क्लेरा बोलते हैं। आपने देखा होगा हमारी आंखों में जो वाइटिश पार्ट होता है वो सारा स्क्लेरा होता है, और यही स्क्लेरा जब इस ब्लैक पार्ट के ऊपर आ जाता है तब हम उसको स्क्लेरा नहीं कहते हैं, तब हम उसको कॉर्निया कहते हैं। यही वाइट पार्ट, देखो ये वाइट पार्ट इस ब्लैक पार्ट के ऊपर भी है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यही स्क्लेरा जब इस ब्लैक पार्ट के ऊपर आ जाता है तब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तब हम उसको कॉर्निया कहते हैं, स्क्लेरा नहीं कहते, तब हम उसको कहते हैं कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट है। याद रखिएगा, कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया की और एक बात है, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो फिर वो ऑक्सीजन कैसे मिलता है कॉर्निया को, क्योंकि वो आई डायरेक्ट ईयर के कांटेक्ट में होता है, तो इट्स डायरेक्टली एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम द ईयर। क्योंकि वो ईयर के कांटेक्ट में होता है तो वो डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। पार्ट इज वैस्कुलर कोड। वैस्कुलर कोड को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ एन आई। सो एक आई की डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे कि वैस्कुलर कोट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं आई के। सो अभी हमने देखा ये है स्क्लेरा, जो सबसे बड़ा पार्ट है आई का, जो कि वाइट कलर का होता है, और इसके आगे जो एक्सटेंशन है ये वाला है कॉर्निया। ये है कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट होता है।
वैस्कुलर कोर्ट में आता है कोरॉइड, जो कि मिडल लेयर होता है आई का। कोरॉइड ब्लूश कलर का होता है क्योंकि उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है। अब मेलानिन क्या है? मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से बॉडी को कलर मिलता है। हमारे आई का कलर, हमारे फेस का कलर, सारा कलर मेलानिन से आता है। तो कोरॉइड में मेलानिन ज़्यादा होता है, इसलिए कोरॉइड ब्लू कलर का होता है। कोरॉइड आगे चल के यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तब हम उसको सिलियरी बॉडी कहते हैं। सिलियरी बॉडी कहते हैं, कोरॉइड का ही एक्सटेंशन है जो आगे चल के थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, उसे हम सिलियरी बॉडी कहते हैं। फिर सिलियरी बॉडी के आगे भी एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम आयरिस कहते हैं। आयरिस जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है वो आयरिस होते हैं। सो कोरॉइड का ही एक्सटेंशन होता है सिलियरी बॉडीज, और फिर उसके आगे सिलियरी बॉडीज का एक्सटेंशन है आयरिस। सो अब बारी है रेटिना की। देखो आई टॉप, सो जो इनर मोस्ट लेयर है आई की वो है रेटिना। ये जो स्काई ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है, दिस पार्ट, ये जो है वो है रेटिना, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। रेटिना और लेंस के बीच में कुछ फील्ड होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, जो कि जेल लाइक होता है। और लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, जो कि लिक्विड लाइक होता है। अच्छा, तो लेंस क्या है? लेंस ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है प्यूपिल के बिल्कुल आगे वाले साइड में लेंस होती है, जो कि इन लिगामेंट्स की हेल्प से यहाँ पे लगी होती है, जिसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये लेंस लाइट को अंदर ले जाने का काम करती है। यहाँ से जो लाइट अंदर जाती है लेंस की वजह से प्रॉपर यहाँ तक पहुँच पाती है। तो लेंस का ये रोल है। बाकी लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर, जो कि जेल लाइक होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर, जो कि लिक्विड लाइक होता है। अब हम रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। रेटिना जो इनर मोस्ट लेयर है आई का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं आई के। रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर है आई का, जो कि ब्लूइश कलर होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लूइश कलर में नहीं बनाया क्योंकि मुझे आपको समझाना था, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर में बना दिया है। लेकिन रेटिना में मेलानिन होता है इसलिए वो ब्लू कलर का होता है। रेटिना में भी तीन लेयर होते हैं। रेटिना के अंदर भी तीन लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो गैंग्लियोनिक लेयर है, जो कि बाय मल्टीपोलर सेल्स से बना है। दिस आर मल्टीपोलर सेल्स। ये जो दिखाई पड़ रहे ये जो है वो मल्टीपोलर सेल्स है। सेकेंड लेयर है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं दिस, ये जो है बाइपोलर न्यूरॉन्स है। थर्ड लेयर है फोटोरिसेप्टर लेयर, जो जिसमें रोड्स एंड कोन्स आते हैं। थर्ड लेयर है फोटोरिसेप्टर लेयर, जो कि लास्ट लेयर है रेटिना का। और इस लेयर में भी दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रोड्स एंड कोन्स। तो रोड्स क्यों इस तरह दिखता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, और कोन्स कुछ ऐसे दिखते हैं इस प्रकार। ये रोड्स है, ये कोन्स है। रोड्स और कोन्स को मिला के फोटो रिसेप्टर्स लेयर बनती है। फिर से एक बार देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो लेयर है जिसे लाइट सबसे पहले टच करती है वो है गैंग्लियोनिक सेल्स, जो कि मल्टीपोलर न्यूरॉन से बने हैं। सेकेंड लेयर जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन्स से बनी है। दीज आर बाइपोलर न्यूरॉन्स।
एंड थर्ड लेयर इज़ फोटो रिसेप्टर लेयर जो कि रोड्स और कोन से बनी है। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स में जो रोड्स और कोन्स है, जो कि ये जो रोड्स और कोन दिखाई दे रहे हैं, ये रोड है, ये कोन है, इनके आउटर सेगमेंट में, ये जो आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है, ये इतना इनर सेगमेंट है और इसके आगे वाला ये आउटर सेगमेंट है। यहाँ पर इतना इनर सेगमेंट है और ये है आउटर सेगमेंट। तो मैं बात कर रही हूँ आउटर सेगमेंट्स की, जो ये आउटर ये रोड्स हैं, ये है इनर सेगमेंट, ये है आउटर सेगमेंट। ये इनर सेगमेंट है और ये है आउटर सेगमेंट, इन्हें कोन्स कहते हैं। तो इनके आउटर सेगमेंट में यहाँ पर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है सबसे इनर वाली लेयर जिसे लाइट सबसे पहले टच करती है, वो है गैंग्लियोनिक सेल्स, और उसके बाद है ये बाइपोलर सेल्स। ये गैंग्लियोनिक सेल्स है, ये बाइपोलर सेल्स है, और ये है फोटोरिसेप्टर सेल्स जिसमें रोड्स आते हैं और जिनमें कोन्स आते हैं। तो इनके आउटर सेगमेंट्स में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। सो रोड्स में सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं, या फिर जिसे हम विजुअल पर्पल कलर कहते हैं, क्योंकि वो पर्पल कलर का होता है पिगमेंट, इसलिए हम उसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं और रोडोप्सिन भी कहते हैं। तो कोन्स में तीन प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कोन्स में सबसे फर्स्ट वाला जो रेड कलर का पिगमेंट होता है, हम उसको इरिथ्रोप्सिन कहते हैं। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हम उसको क्लोरोप्सिन कहते हैं। और जो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, हम उसको साइनोप्सिन कहते हैं। सो यहाँ से एक बात पता चलती है कि रोड्स में सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है जिसे हम रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल भी कहते हैं, लेकिन कोन्स में त्रि प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट पिगमेंट इज इरिथ्रोप्सिन, सेकंड इज क्लोरोप्सिन, एंड थर्ड वन इज साइनोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन है पिगमेंट है, ये सिर्फ डिम लाइट में ही एक्टिव होता है, जबकि कोन्स में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि पिगमेंट्स होते हैं इनके आउटर सेगमेंट्स में, रोड्स के और कोन्स में। तो ये पिगमेंट क्या चीज़ होती है, हम वो देखें। सो ये पिगमेंट्स कैसे बनते हैं। पिगमेंट्स दो कंपाउंड से मिलते हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज पिगमेंट दो कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज़ रेटिनल एंड सेकेंड वन इज़ ऑप्सिन प्रोटीन। सेकेंड वन जो कंपाउंड है ये वाला, ये है ऑप्सिन प्रोटीन। ऑप्सिन होता है जो कि एक प्रोटीन है, और फर्स्ट वन इज़ अ रेटिनल। सो रेटिनल क्या है? रेटिनल जो कि विटामिन ए होता है, उसे उसका अनदर नेम इज़ अ रेटिनॉल। तो रेटिनॉल का ही एक डेरिवेटिव है। रेटिनॉल से जब अल्कोहल हम निकाल लेते हैं तो वो रेटिनल, अल्कोहल निकाल के एल्डिहाइड लगाते हैं तब वो रेटिनल कहलाता है। जब हम रेटिनॉल से जब हम अल्कोहल निकालते हैं और एल्डिहाइड लगाते हैं तब वो रेटिनल बन जाता है। सो आपको पता चल गया कि पिगमेंट किस किन दो कंपाउंड से बनता है। फर्स्ट कंपाउंड इज़ रेटिनल और सेकेंड वन इज़ ऑप्सिन। ऑप्सिन जो है एक प्रोटीन है और रेटिनल है। सो इस पिगमेंट के दो कंपाउंड है, एक है रेटिनल जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है, और दूसरा है ऑप्सिन प्रोटीन जो कि एक प्रोटीन है। इन दोनों को मिला के पिगमेंट्स बनते हैं। सो ये पिगमेंट अलग अलग कैसे होते हैं, क्लोरोप्सिन, रोडोप्सिन और साइनोप्सिन। मैंने आपको बताया है कि ऑप्सिन एक प्रोटीन है। सो प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड की चेन से प्रोटीन बनता है। तो ये सारे पिगमेंट अलग अलग कैसे हुए कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड रहता होगा, इसीलिए रोडोप्सिन अलग है, क्लोरोप्सिन अलग है। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स
डिफरेंट होते हैं। सो आगे इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है मुझे ये भी कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मुझे अपने आप में और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नई हूँ, सो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे वो भी बता दीजिए। ये वीडियो बहुत ही स्लो था, फास्ट था, या फिर कैसा था, आपको क्या समझ में नहीं आया है, ये सब कुछ आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press bell icon. Thank you so much for watching this video. Milte hain next video mein. Bye bye.